नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कश्यप। कैमरे के पीछे आलोक सिंह राणा, और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ पर हमारे साथ सेकेंड ईयर के कुछ मेधावी छात्र हैं, पयोत और निष्कर्ष। पहले तो आपका स्वागत है लखनऊ वाले चैनल में। धन्यवाद। बताए कि जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल से यूनिवर्सिटी की तरफ, उन्हें आप एंट्रेंस के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पहले तो जो जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, सेकेंड वो हैं जो मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो मेरा ये, जैसे मेरा भी साइंस बैकग्राउंड रहा था, तो मैंने क्या किया था, चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, तो उसकी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली बुक है उसके एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, और साथ में हिस्ट्री के जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वो पार्ट है उसके एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, और इकोनॉमिक्स के जो इंडियन पीपल ऑफ इकोनॉमी जो बुक है उसके एमसीक्यूज। तो मैं मेरा यही जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको मेरा यही डायरेक्शन रहेगा कि वो बेसिकली चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करें, है ना। और जो साइंस जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे लिए ये डायरेक्शन है कि वो जो उनके नोट्स हैं, क्योंकि वो बोर्ड्स एग्जाम दे के आ रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, तो वो उसको रिवाइज करें, उनके लिए वो बेटर होगा। बाकी बुक लिस्ट बुक्स भी हैं कई सारी, मार्केट्स में आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी होंगी वहाँ पे, है ना। तो बुक्स को भी आप प्रीफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आप बुक्स को भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा निष्कर्ष, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही एंट्रेंस एग्जाम के लिए? किस तरीके से आपने क्वालिफाई किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको मिला? मेरा भी साइंस बैकग्राउंड था, और जब मुझे मैंने मन बनाया कि मुझे बीए करना है, यानी कि मुझे अपनी स्ट्रीम को स्विच करना है, तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटीज उठाई, और बजाय चैप्टर्स में सीधे एंट्री करने के, मैंने उचित समझा कि समरी पढ़ी जाए, जिससे कि मुझे चैप्टर में है क्या उसकी एक ब्रॉड ओवरलाइन ओवरव्यू उसका मुझे मिल जाए। समरी पढ़ने के बाद मैंने कीवर्ड्स जो लिखे होते हैं एनसीईआरटी के पीछे चैप्टर के एंड में, उन कीवर्ड्स को ढूंढा और चैप्टर में उनका कहाँ रेफरेंस है, उनका क्या मीनिंग है, मैंने उसको समझने की कोशिश की, और फिर मैंने चैप्टर्स पढ़े जिससे मुझे आर्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई। उसके अलावा एमसीक्यूज, और जैसा कि एमसीक्यू का पैटर्न होता है यूजीईटी का, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार के क्वेश्चंस मुझे दिखे वो एकदम जनरल क्वेश्चंस थे जिसको एनसीईआरटी पढ़ के भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बच्चों को उसको ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें से भी खासकर हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की, जिसके मुझे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर दिखाई दिए जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वो उसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उनका आसानी से यूजीईटी क्रैक हो जाएगा। थैंक यू। इसके अलावा आप दोनों की बुक लिस्ट क्या रही, तो बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या सोर्सेस आपने फॉलो करे एंट्रेंस एग्जाम के लिए? तो कोई स्पेसिफिक बुक आती है, जैसे सीरीज आती है, तो क्या इसके लिए भी कोई सीरीज आती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए? थोड़ा उस बारे में। नहीं, सीरीज नहीं, आप मार्केट में जाएंगे तो डिफरेंट बुक्स मिलेंगी जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटीज के एमसीक्यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन, जैसा कि निष्कर्ष ने बताया, क्वेश्चन एकदम जनरल और सिंपल रहते हैं, तो जो ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एनसीईआरटीज रखिए, उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, उस पर आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, रिजल्ट पे नहीं कि हमें एंट्रेंस क्या करना है, प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट आपको एंड रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा यही डायरेक्शन है स्टूडेंट्स को कि आप प्रोसेस फोकस करिए, जो सिंपल चीज़ें हैं एमसीक्यू सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, बुक्स मिल जाएंगी आपको, वो सॉल्व करिए, सिंपल हो जाएगा आपको। निष्कर्ष, क्या आपने भी कुछ बुक लिस्ट फॉलो करी थी, या फिर इंटरनेट से क्या क्या सोर्सेस फॉलो करे थे, क्या किसी टॉपर्स की कॉपीज भी इवन देखी थी जो यूनिवर्सिटी अक्सर रिलीज करती रहती है अपने वेबसाइट पर? टॉपर्स की आंसर शीट्स मैंने वेबसाइट नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी आने के बाद मुझे देखी, और मैं बच्चों को रेकमेंड करना चाहूँगा कि वो आने के बाद लाइब्रेरी में, हमारे टेगोर लाइब्रेरी में यूपीएससी सेक्शन के बगल में, यूपीएससी सेक्शन में ही इनफैक्ट, उनको एक फॉर्म भर के, वो आसान प्रक्रिया आप जानते भी होंगे, मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि वो ऐसा करें जिससे उन्हें पेपर के रिप्रेजेंटेशन में समझ उनकी विकसित हो और उन्हें आसानी हो। और बुक लिस्ट की अगर बात करें तो मैंने बुक्स नहीं, मैंने एनसीईआरटी बुक्स जैसा मैंने बोला उनको सब पढ़ा है, और वो भी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और बच्चों के हाथ में भी अवेलेबल है, तो उनके लिए पूरी तरह से सुविधा है। इसके अलावा मैं इग्नू के ई ज्ञान कोश की नोट्स को भी देख लेता हूँ, वो भी काफ़ी मददगार होते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और उसके अलावा एक जेड लाइब्रेरी करके एक साइट है, zlib.org, वहाँ पर बच्चों को बुक्स मिल जाएंगी, वो फ्री भी हैं, पेड भी हैं, तो उससे भी उनको मदद मिल सकती है। मैंने इन सोर्सेज को ज़्यादा रेफ़र किया, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर उनके पास किसी भी प्रकार की अगर हिंड्रेंस है तो उनके लिए आसानी है। ठीक है, तो धन्यवाद पयोद और निष्कर्ष अपना समय देने के लिए। होपफुली जो नए बच्चे आ रहे हैं उससे उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा और उनके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प होगी। धन्यवाद।